देखो रे मनीष, सोते चौथा राउंड में गिर गया वाला तो लड़का, तो गाइस देख सकते हैं उसका चौथा राउंड था और वह बेहोश हो गया है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा, जो आप लोगों को दिख रहा है। और ये लड़का सबसे आगे दौड़ रहा था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाइक माइनी ब्लॉग। तो आज जाएंगे हम लोग खुट्टी में, जो होमगार्ड का बहाली हो रहा है उसका आप लोगों को व्यू दिखाएंगे बढ़िया से। आज हो रहा है अड़की प्रखंड का, तो आप लोगों को वहां का व्यू दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए बिटसराय स्टेडियम में, जिसमें अड़की प्रखंड का दौड़ हो रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया दौड़, अभी पहला राउंड चल रहा है ये, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये का अड़की प्रखंड का है, और पहला राउंड चालू हो गया है। ये आपका दूसरा राउंड है, थर्ड राउंड ना, आपका थर्ड राउंड चल रहा है। ये फोर्थ राउंड चल रहा है। भागो भागो, वो दे मनीष, वो दे गिर गया रे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़का बेहोश हो गया चौथा राउंड में, जो कि सबसे पहले दौड़ रहा था, अभी उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अड़की प्रखंड का है, नाम क्या है? सुंदर का। 701 से 600 को गेट एंट्री दे दीजिए। अपना अपना सब टी-शर्ट खोल लीजिए। अब यहाँ पे चेस्ट नापा जा रहा है, 87 है। चेस्ट कितना है नापा जा रहा है, हाइट चेस्ट दोनों एक ही जगह नापा जा रहा है। बहाली की सारा प्रक्रिया एक दिन में हो रहा है, केवल एग्जाम दूसरा दिन होगा। देख सकते हैं कितना आए हैं होमगार्ड बहाली के लिए। निकलो, ग्राउंड खाली करो। चेस्ट न पचा रहे हैं और टीका देख सकते हैं। यहाँ हाई जंप किया जा रहा है, यहाँ एक आदमी उसको पार करते हैं तो यहाँ उससे थोड़ा सा ऊपर और किया जाता है। देखिए वो
उसको और एक बार दोबारा चांस दिया जा रहा है। यहाँ पे 2 से 3 बार चांस दिया जाता है टच होने पर। देख सकते हैं वहाँ कितना है, इस साइड में कितना आदमी है। ये सारे लॉन्ग जंप करेंगे, सॉरी हाई जंप करेंगे। यहाँ 3 बार चांस दिया जा रहा है और इसे पार कर बिना टच करके पार करने से इसका थोड़ा सा ऊपर किया जाता है, उसके बाद और लॉन्ग और हाई जंप करवाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी देखिए ये पार किया, इसके लिए अब थोड़ा सा ऊपर किया जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर किया गया और इसको फिर से और एक बार यहाँ पे गोला फेंक किया जा रहा है। गोला फेंक में जिसको पता नहीं है, जो गोल घेरा दिखाई दे रहा है वहाँ से बाहर नहीं निकलना है। यहाँ पे लॉन्ग जंप किया जा रहा है, लॉन्ग जंप में भी वो वाइट दागी दिया गया है, वहीं से देखना पड़ेगा। और उसके यहीं पे एंड करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।